में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं विश्वास नगर भीम गली के अंदर। यहाँ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा एक बहुत विशाल प्रोग्राम रखा गया। यहाँ एक्सपर्ट एडवोकेट्स और प्रॉपर्टी से संबंधित और कानून से संबंधित एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी और उनसे क्वेश्चन आंसर का जवाब लिया गया। आइए, जो आज ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं उनसे हम बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन एनजीओ का क्या उद्देश्य है। सर, आप इसके फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं और आप एक अध्यापक भी हैं, तो सर जो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन है एनजीओ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोज जी, मैं सुभाष चंद्र, मैं पेशे से लेक्चरर ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ और मैं मनोज जी आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने प्रोग्राम अटेंड किया। ये आपने ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो एनजीओ है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा इसका नाम है ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, हमारा एनजीओ मानवता के लिए काम करता है। जहाँ भी हमें लगता है कि हमारी ज़रूरत है, किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटीज है या किसी प्रकार की जागरूकता की ज़रूरत है, तो वहाँ हम जाते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। आज आपने 8 तारीख को प्रोग्राम रखा, ये साल में एक ही बार प्रोग्राम करेंगे या समय समय पे आने पर इस तरीके का आप प्रोग्राम करेंगे? ये आज जो प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम में हमारे पास कई जगह से रिक्वेस्ट आई है कि अगर ये प्रोग्राम हमारे यहाँ भी ऑर्गेनाइज किया जाए, तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड में या चंडीगढ़ में और पंजाब में जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी तो हम उस प्रकार से अपने प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो इस प्रोग्राम को इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है या समय की जरूरत पड़ती है और एक जगह की जरूरत पड़ती है, उसको आप प्रोवाइड कैसे करते हैं? जहाँ तक समय की बात है तो हम मोस्टली एक छुट्टी में करते हैं, जैसे आज संडे है तो संडे में हमें ऑर्गेनाइज किया। और जहाँ तक इस प्रोग्राम की फाइनेंस की बात है तो लोग अच्छे काम के लिए लोग स्वेच्छा से आगे आते हैं और स्वेच्छा से दान करते हैं और दान के बल पर यह प्रोग्राम सफल हो पाते हैं। उनको पता है कि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन मानवता के लिए काम करता है, तो लोग हमें देते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है और हम समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। जैसे कि आपका ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, आपने इसका पूरा विस्तार से बताया। सर, एक तरफ संविधान खतरे के अंदर है और सभी पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो इस संविधान को आप कैसे बचाया जा सकता है कि आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, तो कैसे इस संविधान को बचाने के हम क्या पहल करेंगे हम? मनोज जी, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परम आदरणीय योग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान हमें दिया है, हमारा संविधान खतरे में नहीं है। हमारे संविधान की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार की बनी है, भारतीय संविधान को कभी कोई खतरा नहीं। भारतीय संविधान की बुनियाद लोकतंत्र पर आधारित है और यहाँ भारत का लोकतंत्र मैं समझता हूँ कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ का संविधान खतरे में होने की कोई संभावना मैं नहीं समझता हूँ। यहाँ हर लोग समझते हैं, हर एक आदमी समझता है कि भारतीय संविधान जैसा संविधान विश्व के किसी भी देश का संविधान नहीं है। इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ संविधान होना समस्त भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। अगर कोई व्यक्ति संविधान को नकारने की बात करता है या खतरे की बात करता है, मैं समझता हूँ कि वो भारत के लिए अच्छा नहीं है। सर, आपका आज का प्रोग्राम है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि भारत इस प्रकार के महापुरुषों की धरती रही है, बुद्ध की भूमि रही है, जिन्होंने हमेशा मानवता का संदेश दिया है, तो मैं आम आवाम से केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस आने वाले समाज को इस प्रकार से शांतिपूर्वक मधुर बनाएं ताकि किसी प्रकार लोग इस समाज में रहने के लिए किसी प्रकार की परेशानी महसूस ना करें और शांति प्रिय तरीके से समाज में अपना जीवन यापन कर सकें और इस तरीके का समाज बनाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुकून से अपनी लाइफ पीसफुली जी सकें। धन्यवाद सर।